बाइक का कोई भरोसा नहीं, कब कहाँ खराब हो जाए ना, कोई बात नहीं। मैं जस्ट अभी भी आंटी आप मुझे कैश मत दो, जब मैं आपको बिल भेजूंगा ऑनेस्टली तब आप भाई देखो विश्वास है ना। आपने बोल दिया ना मम्मी H2 के लिए। जिन्हें पता उन्हें पता क्या आ रही है गाइस, H2 इज कमिंग। H2 इंसान कहीं भी हो, माँ से बढ़कर कोई होगा नहीं। सुबह दो लड़की आई, मैं यहाँ पर खड़ा था, वो आई और मेरे से फोटो खिंचा के चली गई। सही है भाई, तो मेरे नाम पे लड़कियाँ छाप रहे बंदा भाई। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। और आज इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है घर से गाइस। और मैं आपको आज एक ऐसे बंदे से मिलाना चाहता हूँ जिसके साथ बीच में बहुत भयंकर लड़ाई हो गई भाई। अपने घर भग गए गाइस, रिश्ते नाते सब छोड़ करके घर भग गए। ये चेक करो गाइस, गेस करो इस रजाई के अंदर कौन होगा। वीडियो पॉज करो और कमेंट करो, गेस करो कौन होगा। जिसने सही कमेंट करा अपना नाम लिख के भेजना उसे 10,000 रुपए का UPI मेरी तरफ से। कौन इस रजाई के अंदर, ये चेक कर, बड़े बड़े लोग। हाँ भाई कहाँ थे ये तो बताओ, क्या हाल है, कहाँ थे? अंबानी ने मेरे को अपना बिजनेस दे दिया था, वो संभाल। तुम्हारे पापा का नाम अंबानी है? लोग बड़े हो जाते गाइस तो फिर मिलना मुलना बंद कर देते हैं। वही बोल रही हूँ, जब लोग बड़े हो जाते मैं तो सो करके उठा मस्त, मैंने कहा ये कौन आ रहा है हमारे घर में, तुम आए? आई लास्ट, मैं आई ना। हाँ तो बहनों तो आओगी नहीं क्या? तो आप भाई वाला, तुम्हारा घर पता कहाँ पर है? तुम्हारा घर ना उधर है। वो आपका घर पास आ गया था। मैं तुम्हारे घर से मेरा घर बहुत पास दिखता है, मेरे घर से तुम्हारा घर बहुत दूर दिखता है। यही से देख लेते हो ना आप। फिलहाल गाइस भव्या पहुंच चुकी है घर में, आज बहुत सारी चीजें आपसे डिस्कस करने के लिए। फिलहाल अभी तैयार त्यार होते हैं, कपड़े कपड़े बदलते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। को भी खाना खिलाना पड़ेगा, भूख क्या है घर से। क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? गाइस अब ये तो पूरे दिन भर छोटी छोटी मुक्के मुक्के मारती रहेगी कसम से। जिसकी छोटी बहन होगी ना उसे पता रहेगा कि भाई बहन के साथ जीवन कितना मुश्किल होता है, इतना मुश्किल जीवन होता है। तो बहुत सीधे होते हैं। और तुम जिम कर रही हो आजकल, हाथ में नहीं ताकत कैसे आ गई? हाथ पे ताकत है, पैर छू पहले। क्यों पैर छू के क्या मिल गया? इतने टाइम बाद बहन आई ना, छू लेता हूं। ये लो क्या हो गया, लो छू लिया, क्या हो गया? बहन के पैर छूने से कोई छोटा। इसके लिए पैसे दिए थे मैंने। जो किचन में छुए उसका क्या है? कहां छुए? कौन से पैसे तो दिखाओ, कौन से दिए? दो तो भव्य दो चाहिए मुझे पैसे। सही है, फ्यूल ये देख रहे, इस गाड़ी में फ्यूल भराने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। गाड़ी दी भी तो मैंने ही है। ठीक है, जोक्स आई नो बहुत गंदे मारती है, बट क्या ही कर सकते हैं। लेट्स गो गाइस, तैयार होते हैं और मिलते हैं आपसे। ओके गाइस, बाबू भैया एकदम हो चुके, एकदम मस्त से रेडी। और गाइस आपने जोक का नाम सुना, ये चेक करो, ये पीछे जो छुप रही है ना, वो पीछे बताओ। आंटी अच्छा कौन सी पकड़ा है, आपको भी बताए गाइस। भव्य से तो मैंने आपको मिला दिया था, बट मैं आपको मिलाता हूँ अपनी महास्त्री मम्मी से। सुबह से पुरुष नहीं है ना, पुरुष तो जा रखे हैं, पापा तो भी बाहर जा रखे हैं, बट मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैं आज सुबह घर पहुंचा और मम्मी ने ना सारे कपड़े सुखा धो करके सुखा दिए। मम्मी एक सेकंड ये चीज बताओ, कितने साल तक और इसलिए होती है माँ ऐसी? कैसी? तू उठने से पहले कपड़े सूख भी गए और संभाल भी दिए तेरे। इसको भी सिखाओ ना, इसकी भी तो शादी होगी कुछ टाइम। वो खुद समझ जाएगी, अपने मन में सब समझदार है वो लड़की। ऐसी आपको लगता है मम्मी गलत फहमी में आप ये समझदार है? गलत फहमी में है नहीं, बहुत चीजें लोग यही सोचते हैं गलत फहमी में, पर होती नहीं है ना। मैं बहुत समझदार हो चुका, मेरी माँ बहुत ज्यादा। अच्छा आपको लगता नहीं है जब लड़का बड़ा होता है तो समझदार ही होता है, छोटा ज्यादा ही हो गया कुछ। ये जब माँ बेटी एक साथ मिल रही थी, कलम को भी उठा जब छोटे थे तो पाला उठा के, अब यही तो बोलना। चलो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके और मेरे बीच में कुछ, तेरा एक ही पॉइंट होगा कि जो जमीन हो मेरे नाम करो। दादाजी को देखो, हम सब मिडिल क्लास लोग है ना, तो हम लोगों का ऐसा रहता है कि यार हमारे दादाजी ने उस टाइम जमीन खरीदी होती तो आज हम लोग इतने अमीर होते। मेरे दादाजी ने उस टाइम जमीन खरीदी थी, इसीलिए आज मैं ये चीज बोल रहा हूँ। दादाजी ने खरीदी नहीं थी, वो उनके पिताजी की वहां पे ले रखी थी, उनके बदले उनको यहाँ पे मिला। ठीक है, मतलब हमारे दादाजी पर दादाजी ने अच्छे काम करे ना, हमारे लिए जमीन छोड़ करके गए। पर उसमें ना रहो ना कि वहाँ अपने खरीद लिया, दादा ने खरीद लिया, तुमने क्या करा ये बताओ। तो आप मेरे नाम पर कब कर रहे हो बताओ? ये तो छोड़ दो तुम, कलम आज की औलाद बहुत खराब हो। सुनो ना, कलम को नहीं चाहिए, विश्वास उठ चुका है।
कलम को नीचे, कलम से मेरी बात हो गई। आंटी कह रही कब पता नहीं जमीन अपने नाम करा के बैक चेक करके। कोई बात नहीं, औलाद बहुत खराब होती है आजकल। गाइस मैं अपने बूढ़े माँ बाप का वो एक लव्य हूँ। ये तो झूठ है, ये तो झूठ है। आंटी इन बातों में बताना नहीं, नहीं, कल ना भव्य और मैं कॉल पर थे रात को, और भव्य और मैं ना यही चीज डिस्कस कर रहे थे कि यार जमीन नाप लेता हूँ कितनी है। मुझे पूछ रहे 2 बीघे तो होगी ना। गाइस अब देखो जब आप बड़े हो जाते ना, एक पॉइंट पर ये था कि ऐसी बातें कर रही है मेरी माँ, नहीं पता कि जो मैंने नई जमीन भी खरीदी है वो भी मैंने अपनी माँ के नाम रजिस्ट्री, मैंने अपनी माँ के नाम करवानी है। अभी होगी उसकी रजिस्ट्री। हाँ देखना भाई कैसे मिलके गाइस। मुझे ऐसा लगता है गाइस बाहर जाने की जरूरत तो ही नहीं, अपने घर में ही रोस्ट करने के लिए लोग बैठे हैं, यही काम आएंगे। एक और पॉइंट गाइस, एक और पॉइंट, ऐसे खट 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 पॉइंट पड़ रहे होते हैं ना, क्या ही बोल सकते हैं। बट फिलहाल के लिए गाइस वी जस्ट वोक अप। जब ये रहता है तो सब आते हैं, जब ये नहीं होता कोई नहीं पूछता। मेरे पास तो मम्मी वैसे भी खत्म हो रहा है, कोई बात नहीं, तभी तो ये आई है। बहुत बहुत फनी हो गया ना, जो बहुत बहुत क्या बोलो, और क्या बोलना है आपको। नहीं थैंक यू सो मच, और कुछ है तो वो भी दे दो। अभी तो गाइस जॉन नंबर 1 इज नॉट एट होम, पापा जी गए हैं बाहर, पापा आएंगे फिर थोड़ी और बेइज्जती सहूंगा। एक महीने घर रुक के देखो आपको कितना मजा आएगा। वही मैं, मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं है गाइस, घर में आकर के देता ना, इतना सब कुछ कर दिया, इतना सब कुछ घर में देख लो, टाइल ये टाइल खुद ही तो लगाई है आपने मिस्त्री बन के, क्या किया, एक वो मार रही है एक आप मार रहे हो है ना। फिर थोड़ी देर में पापा भी गाड़ी में, कौन घूम रहा वो गाड़ी चला कौन रहा है, आपका बेटा बैठते हैं। चलो मैं बताओ घुमा के लेकर के आता हूँ आपको लैम्बो में, बताओ। चलो अच्छी बात है तुम भी घूम रहे, खुशी है, वो तो है, बहुत खुशी है। आपका लड़का घूम रहा है तो आपको अच्छी बात है। हाँ तो आओ आंटी घूम के आओ। तुम्हारे पापा कब घुमा रहे, तुम्हारी मम्मी को बताओ, मेरे माँ बाप की टेंशन छोड़ दो। बात है चाहे इंसान कहीं भी घूमे, माँ से चाहे कितना ही लड़ लो बाहर को तुम्हें बता रहे आ जाएंगे वैसे फुसलाने के लिए। हाँ ये है वैसे, पर माँ देखो एक चीज बहुत क्लियर है, आंटी भी अपने घर पे थी, अच्छी बात है, अच्छा है बेटा, माँ नहीं करना चाहिए, माँ भी अब ऐसा नहीं, जब तक तुम छोटे तुम्हें खिलाया उन्होंने, आज बड़े हो गए उनको भी जरूरत है। ये देखो मम्मी ना इनडायरेक्टली ना मम्मी ये चीज ताना मार रही है कि घर पे रुका करो। ओके ठीक है गाइस, मैं थोड़ा सा बाहर ज्यादा घूम रहा था फिलहाल के लिए, प्लांट के घर वालों की सेवा करके, उसके लिए देखो मम्मी एक चीज होती है ना, ये सेवा क्या करने, खाना बना के सीख के आए थे ना, खाना बनाया। सुनो एक चीज मैं आपको बोल रहा ना, सेवा करने के लिए वो चीज होती है ना मम्मी बहू, वो लेकर के भाई तेरे पता चल रहा हम दोनों 1 बजे उठ रहे हैं, मम्मी वाले चाय भरोसा मत रहना कि चाय लाऊंगी मैं कुछ नहीं, वो लेकर के आएगी मम्मी आपके लिए, अपने लिए भी ले लो बहुत। फिलहाल के लिए गाइस बहुत अच्छा लग रहा है इतने दिन बाद घर में ब्लॉग करके, एंड देखेंगे सभी पापा गए बाहर कुछ काम से, पापा भी आते हैं, और मैं आपको बता रहा था गाइस फाइनली हमारी ऑल इंडिया राइड शुरू होने वाली है, बट द थिंग इज कुछ चीजें और भी बड़ी हुई हैं, और भी बड़ी, बट सुबह से ना बहुत सारे लोग बेचारे ना फोटो खिंचाने के लिए घर पर आ रहे थे, ये चेक करो यार सुबह से वेट कर रहे हैं, हाँ बाहर वेट कर रहे हैं, मैं ना यार फोटो करवा लेता हूँ यार, लेट्स गो। भाई ये बंदा ना बाहर खड़ा हुआ था सुबह, और मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, मेरी माँ ना मेरे को ये बोल रही कि तू 6 बजे बाहर कैसे घूम रहा है। भाई तुम थोड़े थोड़े तो मेरे जैसे लग रहे हो यार, ये देखो भाई तुम तो भाई ये देखो यार भाई क्रेजी यार, मेरे को मैं लिटरली बता रहा हूँ, सुबह 2 लड़कियां आई, मैं यहाँ पे खड़ा था, वो आई और मैं ऐसे हो गया, वो आई और मेरे से फोटो खिंचा के चली गई। सही है भाई, तो मेरे नाम पे लड़कियां छाप रहा है बंदा भाई, एक्चुअली में ब्रो यार मैं अब नोटिस करा है भाई, ये टैटू रियल करवा रखा है, टच कर लो आप, क्रेजी कलरिंग भाई ये बंदा, मतलब अच्छा लगता है ना जब आप उन लोगों से मिलते हो जो आपके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, बट भाई यू लुक एग्जैक्टली लाइक मी, कमेंट करो गाइस, ये भाई ऊपर से नीचे तक आप जो भी देख रहे हो ना, भाई का चश्मा टैटू एवरीथिंग इज लिटरली मी, मेरी माँ भी सेम है। ये चेक करो गाइस, एक्चुअली में भाई ये टैटू क्रेजी लग रहा है, लेकिन बस ये थोड़ा सा हल्का सा छोटा करवा रखा है, और ये वाले हाथ के टैटू ये इसमें कलरिंग होनी है, और ये मैंने करवाया भाई, ये चेक करो भाई वाले हाथ में, भाई ये चेक करो भाई, लिटरल जेरोक्स कॉपी भाई, क्रेजी बन कर आ रखे भाई, क्या नाम है आपका, आयुष, बढ़िया भाई, मेरे को लगा अनुराग बोलेगा भाई, अनुराग आयुष डोभाल भाई तुम डोभाल हो। अच्छा क्या हो भाई, सरकार
भाई बढ़िया, सरकार भाई की भाई। लेट्स गो। अच्छा लगा भाई से मिल करके, और भाई जब टाटू कलर करवा लोगे देन वी विल मीट, ठीक है भाई। भाई अगर मैं गलत नहीं सोच रहा तो आपकी एक रील थी कि जिसमें आपकी बाइक भी खराब हो गई, जाते टाइम बाइक खराब हो गई, और इन्होंने एक रील बना करके डाली थी कि भाई कि अनुराग भैया को टैग करो, और ये कहते काफी लोगों ने टैग किया। मैंने वो रील देखी भी थी बट मैं इतना बिजी था कि मैं उस पे मतलब मैं रिएक्ट ही नहीं कर पाया, पर भाई घर पर आ चुके हैं। कौन सी बाइक है भाई आपकी? R15। मैंने उसे डिट्टो एको की तरह मॉडिफाई कर रखा है। OnePlus लेकर का। कितना मैनेज कर लिया आपने? क्लियर? मैंने अभी तो 20,000 तक अरेंज कर लिया, लेकिन यामाहा शोरूम वालों ने 40,000 का बिल बना के भेजा है टोटल, क्योंकि उसका इंजन के सारे पार्ट्स वन वे बैरिंग से लेके ब्लॉक किट तक ना पूरा उसमें घूम गया है टूट के, तो वो पूरा चेंज हो गया। मतलब आपकी बाइक रिपेयर होनी है, राइट? हाँ। रुको, दो मिनट रुको, एक फोटो। ओके यार, मैंने ना भाई की रील देखी थी, भाई की जो रील थी ना उस पे भाई की बाइक खराब हो गई थी। मैंने भाई की रील देखी थी। देखो मम्मी, बाइक आपको पता है कि ऐसा एस्पेक्ट है, किसी के साथ भी हो जाता है, किसी के साथ भाई, भाई वो लिटरली घर पे आया, और अब मैं आपको मिलाऊंगा उस लड़के से। नहीं अरे सुबह छूने, मैं कंफ्यूज, सुबह उठी मैंने कहा अन्नू बाहर की घूम रहा है, फिर मैं गई मैंने कहा पहले खोलती हूँ मैं इसको। अरे लिटरली, अरे टैटू करवा के सेम 7 बजे वही बाल, अरे ये घूम रहा है ऐसे। मैंने कहा अन्नू सुबह क्यों घूम रहा हो? मैंने कहा ये तो कल उड़ता है, घूम रहा है बाहर। मैंने कहा गेट नहीं खुला हुआ, क्या पता बैग लेके, और बैग लेके। हां मैंने कहा अंदर जा गई, मैंने कहा अन्नू तो ये सो रहा। और फिर मैंने मेरे यहाँ के, मैंने कहा मैंने फिर दोबारा छत पे भी गई, मैंने मेरे यहाँ के तो दिखाए तो का, फिर वो दिखा नहीं, फिर मुझे लग रहा कहीं चला गया वो भाई ना, उसकी मेरी घड़ी से लेकर के मेरे टैटू तक मैं आपको मिलाऊंगा। मैं भी कंफ्यूज हो गई तो चश्मे तक। एक काम करो, इस बारी घर के खर्चे में से मैं कर दूं, और बेचारे और भाई की बाइक ठीक करवा देते हैं, ताकि भाई की बाइक से उधर भाई बाइक राइड कर सके। लेट्स गो, चल दे दो मम्मी मेरे को। हे गाइस, मम्मी आ चुके बाहर, और मैं आपको मिलाने वाला हूं उस लड़के से, अभी अंदर ही रखना, और मैं आपको पहले उस लड़के से मिलाता हूं। मम्मी ना कंफ्यूज जाएंगे, मम्मी कंफ्यूज जाएगी। गाइस मेरी मां सुबह 6 बजे सच्ची मोट कर बोल रही थी कि कौन लड़का, आज मैं मिलाता हूं मैं आपको उस लड़के से। इधर आओ, ये चेक करो, लोगों को ऐसा तो लग रहा है कि भाई टैटू चेक करो भाई का, ये देखो, और ये भी है और ये है, और अभी ना टैटूज होने हैं लाइक अभी, क्योंकि भैया की राइड वगैरह स्टार्ट हो रही है ना, तो मेरे को जल्दी से आना पड़ा। अच्छा, दोनों एक जैसे लग रहा है। भाई मैंने भाई की एक रील देखी थी, भाई की ना बाइक खराब हो गई थी एक्चुअली, अयोध्या जाते टाइम लखनऊ से पहले, मैंने वो देखी थी भाई आपकी, मैंने वो वीडियो देखी थी। मैंने भी देखी है। देखी है? हाँ, देखी है। आपने भी देखी है? बाइक को बाइक रिपेयरिंग के लिए कुछ हेल्प चाहिए थी गाइस, एंड ब्रो से ना जब भी हेल्प आउट मांगने आती है गाइस, मैं नहीं हेल्प आउट करता हूँ, यहाँ से हाई कोर्ट से अप्रूवल आता है, हाई कोर्ट ने अप्रूवल ले दिया। भाई का टोटल वाला खर्चा आ रहा है 40,000 रुपए का, भाई ने 20,000 रुपए कर लिया बिल्कुल ऑनेस्टली। हमें को बिल और इनवॉइसिंग भेज दोगे? श्योर? कंपनी से हमें को पहले भेजना? कंपनी से ही भेजूंगा, ठीक है, जब आप करवा लेना। आपका टोटल बिल 40,000 का समथिंग, 20,000 आपने कर लिया, और मैं बाकी क्या हेल्प आउट करूं? खर्चा खर्चा लो, तुम्हारी किसी को कोई बात नहीं, ऐसे हम हो चाहे कोई भी हो, बाइक का कोई भरोसा नहीं है कब कहां खराब हो जाए ना, कोई बात नहीं। गाइस मैं एक चीज बोलूंगा, मतलब ऐसा नहीं है करके कि कोई भी रील बना रहा है करके कि किसका भी मतलब फ्रॉड भी हो रहा है, लेकिन मैं जस्ट अभी भी आंटी आप मुझे कैश मत दो, जब मैं आपको बिल भेजूंगा ऑनेस्टली तब आप। देखो एग्जैक्टली सही बोल रही है मम्मी, विश्वास है ना? हाँ। और सबसे मेरे से नहीं करोगे तुम धोखा ऊपर वाले से? नहीं, मेरे मैंने से नहीं करोगे, मैं तो ईमानदार से दे दिया आपको। हाँ। बाकी वो ऊपर वाला, ठीक है ना, ईमानदारी वो देखता है, मैं तो दे दिया आपका, वो आपकी अंतरात्मा जानेगी दिया कि नहीं दिया, वो आप जाने या वो जाने, ईमानदारी रखो और काम। कंग्रेचुलेशन, हाई कोर्ट ने आपका अप्रूवल दे दिया, और अब आप बाइक अब आप बाइक टिक करा करके फटाफट बाइक टिक करा करके मस्त एक राइड पर चलेंगे। ओके, जुलू भाई अंदर है, जुलू थोड़ा डरता है गाइस, बट ठीक है, बाइक जल्दी टिक करा करके फोटो भेजना और बिल भेजना है ना, नहीं तो गाइस शक्ल तो दिखाई दिए जहां पर मिलेगा। बाइक ठीक नहीं हुई तो जिन्हें पता है उन्हें पता क्या करना है के साथ, ठीक है। बहुत सही बोला भाई ना कि बहुत सारे लोग फ्रॉड भी करते हैं, बहुत मेरे पास दिन के ना 1,00,000 मेल आते हैं। एक बार मेरे एक बंदे से बात भी हुई थी, उसने कहा मेरी मम्मी की तबीयत खराब होगी, मेरे पास लिटरली एक इंसिडेंट हुआ है रात को, उस बंदे ने बोला कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब होगी, मैंने कहा बिल भेज, तुम माँ का वो करो कितना बड़ा, और झूठ कर, सच्ची में आई स्वेयर अपॉन माँ बराबर तो कोई चीज है ही नहीं, झूठ की मेरी मम्मी के बिल के लिए, मैंने कहा तू हॉस्पिटल का बिल भेज मैं कर दूंगा। भाई देखो अगर मैं आज यहाँ तक पहुंच पाया हूँ तो तुम ही लोगों के कारण पहुंच पाया, ये जो जिन लोगों जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उन लोगों के कारण, आज वो लैम्बो भी खड़ी है ना बाहर, तो इन्हीं लोगों के कारण बन खड़ी है गाइस, एंड जहां पर होगा भाई मैं हेल्प आउट कर दूंगा। ओके okay. मैं जब आप फर्स्ट गोप्रो लेने गए थे ना वो KTM से, मैं तब से आपको फॉलो कर रहा हूँ, लाइक मेरे कमरे पे, मैं अभी वीडियो कॉल पे दिखा सकता हूँ, मेरे कमरे पे आपके ना पोस्टर पड़े हैं, और मेरे घर वाले जानते हैं, मतलब ना मैं पूजा करता हूँ आपकी। भाई मैं मेरी पूजा करने की जरूरत नहीं, माँ बाप की पूजा करो, एग्जैक्टली उन्हीं के कारण, सच्ची में मतलब उन्होंने कहा ना कि तू अगर इनको फॉलो कर रहा है ना, मतलब
अब क्या बोलूं, मेरे पास ना शब्द ही नहीं है। मतलब उन्होंने मेरे को खुद भेजा कि वहां जाओ कहते जैसे तैसे। अरे नो वरीज भाई, फटाफट अपनी बाइक ठीक कराओ, आई एम हैप्पी। जल्दी बस बाइक ठीक करा कर रील डालना, सही है? ठीक है, डन। मैंने बोल दिया भाई, हम लोग एक राइड करेंगे। मैंने आपकी बाइक भी देखी ना, एको बना रखी ना अपने। हाँ भाई ने बाइक भी एको बना रखी गाइस, अपनी एको उधर खड़ी है, बट भाई की एको मैं आपको व्लॉग में चेक कराऊंगा। बाइक ठीक करा करके घर पे मिलेंगे। अभी तो मैं राइड पर जा रहा हूँ, बट जब मैं आऊंगा तो विल मीट। ओके ठीक है भाई, पक्का। ओके यार, भाई को हम लोगों ने हेल्प आउट कर दिए, अच्छा लगा भाई से मिल करके। कहाँ है मेरी माँ, कहाँ है? कितना खुश हो गया ना बंदा, कहाँ पर आता लिटरली। ऐसी तो आप भी खुश हो जाते जब मैं आती हूँ। फालतू की बातें घर वालों का, इस फालतू की बातें। बट भाई की गाड़ी के लिए गाइस हो गए हेल्प आउट। मम्मी आपने अपने घर के खर्चे में से भाई को पर अच्छा लगा, हमसे ज्यादा जरूरत पहले उसको थी। उसको जरूरत थी एक्चुअली, मैं उसको भाई बहुत जरूरत थी। अगर बेचारा पैदल आ रखा है यहाँ पर, बोला भैया बाहर छोड़ा दो, मैंने कहा भाई मेरे पास गाड़ी नहीं है, सच्ची मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरी एलेक्स वहाँ खड़ी है, थार कहीं और जा रखी है। एलेक्स दिल्ली है ना, उसकी क्लच प्लेट फूक गई। आजकल गाड़ियों में थोड़ी नजर लग रखी है गाइस, बट शुक्रिया ब्रो से ना, अच्छा लगा ये व्लॉग। देखो ये उसको ज्यादा जरूरत थी, अपने तो हम चला लेंगे, कोई बात नहीं, कैसे ही पहले उसको जरूरत थी। ठीक है ना, अपनी बाइक, क्योंकि देखो यार मुझे लगता है कि वो ट्रैवल करता है, व्लॉग्स बनाता है, कहीं ना कहीं उसका थोड़ा बहुत रेवेन्यू आता होगा। 20,000 फॉर अस, हम मैनेज कर लेंगे, बट उसके लिए सबसे बड़ी बात ये है कि हम देने वाले नहीं, ऊपर वाला देने वाले। ऊपर वाला हमें दे रहा है, मैं जिससे हो सकता है इस योग्य बनाया, किसी की हेल्प कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात। जितना हो सकता है उतना कर लूंगा, जिस दिन मुझे जरूरत पड़ेगी उस दिन आप करो। एंड गाइस एक चीज की और अनाउंसमेंट करनी थी, ब्रोसेना की मर्च के लिए लोग पागल हुए पड़े कि भाई ब्रोसेना की मर्च। अगर आप घर आओगे गाइस तो ब्रोसेना की मर्च इज अवेलेबल। एंड आपको पता है ब्रोसेना की मर्च का जितना भी पैसा है ये सारी हेल्प आउट उसी से होती है। सो इफ यू वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ ब्रोसेना, ब्रोसेना मर्च इज अवेलेबल। 2,500 की है अगर आप डायरेक्टली, इफ यू कम टू मी एंड बाबू भैया कूपन कोड यूज करेंगे मेरे या मेरी टीम मेट वालों से, यू विल गेट स्ट्रेट 500 ऑफ और वो मर्च आपको 1,999 में मिल जाएगी। इसका सारा पैसा हमारी फाउंडेशन में जाता है, UK07 फाउंडेशन में, जिससे हम सबकी हेल्प आउट कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। बाकी थैंक यू स्कैबल बनाने के लिए। उम्मीद करते हैं छोटा सा व्लॉग था गाइज, अगले व्लॉग में एक और धमाका। अभी तो है धमाके, आज बहुत सारे धमाके हैं। एंड गाइज एक चीज के बारे में और बात कर रही थी, हम लोग राइड कर रहे थे ऑल इंडिया राइड। सो क्या बोलते हो, कौन सी बाइक पर करी जाए? कौन सी बाइक पे जैसे तुम ना चलाई हो फिर भी, कौन सी? H2 पे करी जाए, पक्का मम्मी? ठीक है, ओके गाइज, मम्मी ने H2 बोल दिया, इसका मतलब H2 आ रही है, H2 आ रही है गाइज, H2 आ रही है, वो आ रही है। H2 आ रही है गाइस, मैं थोड़ा सा प्री हाइप दे देता हूं लोगों को। आपने बोल दिया ना मम्मी H2 के लिए? हाँ। पक्का ना? हाँ। पता नहीं मम्मी को क्या बोल रही है, बट जिन्हें पता है उन्हें पता क्या आ रही है गाइस, H2 इज कमिंग, H2।